अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी डबल का मीठा, जो छोटी या बड़ी दावत में बनता है। जिसके लिए हमें चाहिए एक ब्रेड, एक लीटर दूध, 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो खोवा, 50 ग्राम चेरी, 50 ग्राम काजू बादाम, अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स, 15 इलायची, ज़ाफ़रानी कलर। पाँच सौ ग्राम हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। अगर आप चाहे तो इसलिए असली घी में भी बना सकते हैं या डालडा में भी बना सकते हैं। अब गैस को हम ऑन कर लेंगे, तेल गर्म होने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करिए ताकि ये अंदर से ऊपर से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो सके। गैस पर मैंने दूसरे चीले पर मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कलर आने के बाद एक साइड इधर की सेक लीजिए, एक साइड इधर की। बहुत ही आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाने वाला मीठा है ये। इसका कलर अच्छा है तो थोड़ा हल्का सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, अगर मीडियम कलर रहने से बहुत अच्छा मज़ा आता है। अगर इसे आप असली घी में बनाएं तो और अच्छा मज़ा इसका बढ़ जाता है। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम अब पूरी ब्रेड को तलकर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा आखिरी बैच भी कंप्लीट हो रहा है। इसे तलने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है। अभी तेल हमारा माशाल्लाह से बच भी गया है बहुत सारा। कढ़ाई को मैंने निकाल लिया है।
ये देखिए मैंने चीनी के 5 मिनट पहले 1.25 किलो चीनी में मैंने एक लीटर पानी ऐड कर लिया। इसे अब हम मेल्ट होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब जब तक मैंने अपने दूध में ये देखिए दूध में मैंने गर्म दूध में ही खोवा डाल लिया था ताकि खोवा इसमें अच्छे तरीके से घुल जाए। इसे पकने में 7 या 8 मिनट लगेंगे। चीनी पूरी घुलकर थोड़ी सी चाशनी की तरह आने पर हम इसमें ब्रेड में ऐड करेंगे, थोड़ा सा कलर भी इसी टाइम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है असली तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कलर अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से लीजिए। ये देखिए हमारे ब्रेड पे हमने दूध मैंने दूसरे चीले पे उबलने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने खोवा और दूध गर्म होने से उसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। हमेशा डबल के मीठे को एक खुले बर्तन में बनाइए। ताकि वो अच्छे से बन सके और उसके पीसेस साबित रह चुके। अगर अब हम इसमें भगोने में या कोई दूसरी चीज़ में हिलाते वक्त उसे टूट जाते हैं उससे अच्छा नहीं लगते। ये देखिए हमारी चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है। बिल्कुल थिक मत बनाइए। जैसा कि 1.25 किलो शक्कर में मैंने 1 लीटर पानी को ऐड किया है, अगर चाहे तो आप शक्कर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ मीठी खानी हो तो उसे मीठी ही अच्छी लगती है। इस टाइम हम इसमें अब इलायची पाउडर 15 इलायची का पाउडर हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसमें जय और जोत्री भी मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से पक रहा है हमारा शीरा। शीरा पकने में हमें 7 या 8 मिनट लगेंगे। ये देखिए इसका फ्लेम अब हम लो कर देंगे। शीरे को हमेशा जब पकता है उसकी आंच थोड़ी कम कर दीजिए, वरना ये उबलने का डर रहता है। ये देखिए शीरा हमारा अच्छे से पक चुका है। पूरी शक्कर इसमें ये देखिए पूरी तरीके से बन चुका है। अब हम इसे शीरे को नीचे उतार लेंगे और ये लगन को हमारे चूल्हे पे रख लेंगे। ये देखिए इसमें हम शीरा भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब गैस का फ्लेम हम हाई पे कर देंगे। शीरा और दूध इस ब्रेड में अच्छे से
एब्जॉर्ब होने तक हम पकाएंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसमें पक रहा है मीठा हमारा। तेल हमारा ब्रेड तलने के लिए हमें तेल 300 ग्राम लगा है, लेकिन अच्छी तरीके से सही तलने के लिए हमें 500 ग्राम डालने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन तेल बिल्कुल इसमें कम लगा। साथ ही 8 मिनट बनाने के बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा डबल का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हमेशा जब शीरा और ब्रेड को हम डालते हैं तो हाई फ्लेम पर रखिए। इसे बनने में 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। अगर आप 2 या 4 जितने भी ब्रेड का बना रहे इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हर चीज़ की। इसे हम अब बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। इसमें जो भी दूध और शीरा दिख रहा है वो एक 15 या 20 मिनट के बाद ब्रेड पूरा उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद हम जब इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा डबल का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैंने अच्छे से फ्रूट से गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करिए। और एक टिप्स, अगर आपको मीठा जब भी बनाना हो उसे एक दिन पहले ब्रेड मंगाकर सुखा लीजिए और इसे हमेशा खुले बर्तन में बनाइए। अल्लाह हाफिज़।